के 20 दिन से जो मेहनत कर रहे हैं अपन, घर छोड़ के, शहर छोड़ के, दुकान बंद करके, काफी टाइम से आए, इतनी दूर आए ना अपन, तो बहुत बड़ी बात है ये। बहुत सारे बच्चे क्या देखते हैं आजकल, बस घर के पास ही जो भी है वैसे ही कर रहे काम, आगे नहीं जा रहे, इसलिए इनकम भी नहीं बढ़ रहा उनका। देखो सिंपल सी बात है भाई, जितने में आप बिजनेस शुरू करें अगर उतने पैसे से करते रहेंगे तो इनकम भी उतनी ही रहती। अगर उसमें आप पैसा डालते गए, बढ़ाते गए तो इनकम बढ़ते जाती। तो हमारा काम में तो कुछ सामान रखना नहीं है अपने को नॉलेज बढ़ाना है। टेक्नीशियन को क्या करना रहता? अब दुकानदार है, एसेसरीज बेचता, तो उन्हें उसकी दुकान में एसेसरीज को बढ़ाता, जितना ज्यादा एसेसरीज लाते जाएगा उसका ज्यादा इनकम होगा। लेकिन टेक्नीशियन का इनकम क्या है भाई? हमारा हैंड स्किल, हमारी नॉलेज, हमारा चेकिंग मेथड, हमारा सीखने, तो हम किस पे इन्वेस्ट करते हैं पैसे? नॉलेज पे करना है। तो एक तो पैसा इन्वेस्ट करना है, दूसरा जो है टाइम देना है, और तीसरा दिमाग पे भी लोड गिरता है इसमें अपना, चेक करते जो भी चीज है। बाकी के एसेसरीज बेचने में कुछ जहन पे आपका लोड पड़ता है क्या भाई? आए चार्जर दियो, बोले चार्जर दे दिए, मेमोरी कार्ड बोले मेमोरी कार्ड दे दिए, सामान तो बेच देते, तो उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगता। लेकिन हमारे काम में क्या है, नया नया सर्किट आ रहा है। पिछली बार एक स्टूडेंट बोला, सर इतने नए सर्किट आ रहे हैं, सीखते सीखते हम तो पागल ही हो जाएंगे। मतलब सर्किट इतने आते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो अब हमारा काम ही ऐसा है, क्या कर सकते बोलो, है ना भाई? तो चलो भाई सबसे पहले बुला लेते हैं अपन, सर्टिफिकेट पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बुलाएंगे सोहेल पाशा के लिए जोरदार क्लैप्स। तो सोहेल पाशा, 20 दिन का एक्सपीरियंस बताइए, कैसा रहा सफर आपका? बहुत अच्छा था, बहुत सीखने को बहुत कुछ मिला सर इधर आने के बाद। उधर बहुत काम पे स्टक होता था, काम नहीं कर पाते थे, दूसरी जगह बाहर से काम करवाते थे। इधर आने के बाद एक कॉन्फिडेंस आया, जाके खुद काम कर सकते हैं। पहले आपको कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा था, सेट खोलने डर लग रहा था ऐसा, अभी ऑन फोन पे काम कर सकते सर। कहाँ से आप वैसे? कर्नाटक से सर। कितने साल से कर रहे थे काम? 10 साल से। 10 साल से कर रहे थे, तो देखो भाई 10 साल से कर रहे हैं तो भी अपडेट होना ही पड़ता। सिर्फ साल बढ़ने से कुछ होता क्या? नहीं होता, अपडेट नॉलेज बढ़ना चाहिए, क्योंकि नया नया मोबाइल आ रहा है, स्किल होना चाहिए, हैंड स्किल होना चाहिए। 10 साल से कर रहे थे आप, आपके ऐसे बहुत सारे लोग देख रहे होंगे। हाँ सर। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर आप 5 साल पहले अगर ऐसा अपडेट हो जाते तो आपकी इनकम में क्या डिफरेंस रहता था अभी तक? सर बहुत पैसा कमा के 5 साल में तो बहुत कमा सकते थे, बहुत कमा सकते थे ना। तो बहुत सारे लोग शर्म आके बैठ के रहते कि मैं जाऊंगा तो मेरा दुकान लोग देख लेंगे, मैं इंस्टीट्यूट जा रहा हूँ बोल के। सर इधर आके 20 दिन का मेहनत कर लिया तो उधर जाके बहुत कुछ कर सकते हैं। तो शर्म आके इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करके किसी के भी पास जाओ, यहाँ आना बोल के नहीं बोलता मैं, फोन फिक्स मत हो, कहीं पे भी जाओ, किसके पास भी सीखो, लेकिन शर्मा मत। शर्मा के दुकान में बैठे रहेंगे तो इनकम तो नहीं बढ़ता आपका, जमाना तो आगे चले जाता, महंगाई हो जाती, 35 रुपये पेट्रोल जाके कितना हो गया अभी, अपडेट हो जाएगा, हम 100 रुपये से ज्यादा हो गया अभी, है ना भाई? तो वो तो रुकता नहीं, तो 10 साल के बाद भी आपको अपडेट होना पड़ा सर, है ना? अभी जाके काम कर सकते हैं? हाँ सर। क्या क्या काम कर लिया हैंड स्किल में बताओ? सर अभी डबल डेकर भी बना लिया इधर, बिल्कुल कुछ भी नहीं आता था इसी वर्क। अभी पहले कभी माइक्रोस्कोप में काम करते नहीं सर? नहीं करते थे, ब्लैक पेस्टेड कर लिए, नॉन पेस्टेड करे, डबल डेकर तक भी बनाए आप, यहाँ पर ऑन करे ना यहाँ पर, तो कैसा पॉसिबल हो गया ये? पहले नहीं हो रहा था, यहाँ क्या कुछ जादू की छड़ी है, फोन फिक्स में क्या है? नहीं सर इधर जो सागर सर का हैंड स्किल है बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया से समझाए वो हैंड स्किल। देखो टीचर का हैंड स्किल अच्छा है, लेकिन आप कैसे कर पाए? क्योंकि वैसा टेक्निक ट्रिक बताया आपको तभी तो कर पाए, नहीं सिर्फ, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में सिर्फ टीचर काम करके बताते हैं, उनका बच्चों का रिजल्ट ही नहीं दिखता। यहाँ पे आप कर लिए, मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत अच्छा, आपको समझ में आया जो बता रहे थे तब तो करे ना, क्योंकि 10 साल से तो नहीं कर पाए थे, बहुत ईजी लगा करने के बाद। कोई आना चाह रहे ऑल ओवर इंडिया से, क्या बोलना चाहेंगे? जो भी आना चाहिए इधर आराम से आके सीख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है यहाँ पर सीखने के लिए, बहुत सीखने को मिलता है। कनाडा से आप? हाँ सर। कनाडा बोलते थोड़ा सा, कनाडा में दो बात बोलिए, कोई बच्चे पूछ। फोन फिक्स हैदराबाद बंद रहे, ऐन बेकादरू कलीबहुदु, आरामागि कलीबहुदु, इल्लि एल्ल स्वल्प चेन्नागि नोडकोतारे, नॉलेज एल्ल चेन्नागिदे इल्लि, स्केमेटिक स्किल्स मत्ते हैंड स्किल एनिदे इल्लि बंद्रे तुंबा डेवलप आगुत्ते, इल्लि बंदि आरामागि कल्त्कोंडु होगबहुदु, अल्लि होगि आरामागि वर्क माडबहुदु। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, एक बार इनके लिए क्लास कर दो। थैंक यू भाई, कांग्रेचुलेशन। तन्मय अधिकारी, जोरदार क्लैप्स तन्मय के लिए। तन्मय बताओ आप कहाँ से, क्या बोलना चाहते हैं, 20 दिन का सफर कैसा रहा?
सर मैं बंगाल से। बंगाल से आपके चाचा मामा के साथ? किसके साथ? चाचा आया था। चाचा आए थे छोड़ने के लिए, दो दिन थे आपके साथ? दो दिन थे। तो आप उनको वापस भेज दिए कि यहाँ इतने सब लड़के हैं? बहुत सारे बच्चे सोचते हैं हम चाचा को लेके आते, भाई को लेके आते, घर वाले दूर जाना नहीं देते, तो यहाँ पे अकेले आ सकते क्या? कोई आना चाहे आ सकते हैं। तकरीबन लोग तो अकेले ही आए इसमें से? सर मैंने सिलीगुड़ी से बाहर नहीं आया। अच्छा, पहले कभी नहीं निकले? पहले कभी ट्रेन में भी फर्स्ट जर्नी है ये। अच्छा अच्छा, कितना एज है वैसे तुम्हारा? 23 है, ठीक है, कम एज का ही है। तो सिलीगुड़ी बंगाल में आता है? बंगाल से आए इतनी दूर आप, फोन फिक्स हैदराबाद क्यों आए? भाई दिल्ली वगैरह मुंबई गुजरात में नहीं गए? आगे जाने के लिए। आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। वहाँ भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे यहाँ पे क्या अलग दिखा आप? सर वहाँ पे जो था वहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था, वहाँ पे ऐसे सीखा ही नहीं है वहाँ पे, क्योंकि टीचर को आता ही नहीं है। ड्राइवर वगैरह हैंड स्किल कैसे करना है कुछ भी नहीं आता है। पहले गया था एक इंस्टीट्यूट में, एक दिन में चला गया रिटर्न, सिलीगुड़ी में आया था पहले। लेकिन वहाँ पे आने के बाद ऐसा लगा था कि वो कैपेसिटर रजिस्टर सब कुछ भी नहीं बताते, ऐसे बताते कि शॉर्ट होता है पानी में गिरने से, इसको वॉश थिनर से क्लीन कर लो, करने के बाद सेट कर दो, दे दो ऐसे। मतलब थिनर से हो गया तो हो गया, नहीं तो रिटर्न दे दो। अच्छा, अभी आने के बाद साहब सर ने बताया, आप भी बताया कि कैपेसिटर हर एक कैपेसिटर को एक एक करके चेक करना, रजिस्टर को चेक करना, रजिस्टर कैसे सेट रहता है, क्या कैपेसिटर कौन लाइन में सेट रहता है, कौन सा लाइन में, सब कुछ पहले मेरे को कभी भी नहीं मिला था। हैंड स्किल में क्या क्या काम कर लिया? हैंड स्किल में 4G ऑन सेट ऑन कर दिया, आईसी सीपीयू रिबॉल ईएमएमसी रिबॉल करके लगा दिया। फिर उसके बाद डुअल डेकर ब्लैक पेस्टेड भी कर लिया ऑन करे ना। कितने बोर्ड दे दिया आपको यहाँ से? पहले 4G 4 बोर्ड था, बाद में ब्लैक पेस्टेड 2 था, एक व्हाइट पेस्टेड एक ब्लैक पेस्टेड था, डुअल डेकर 2 बोर्ड था। टोटल मिला के 5-6 बोर्ड मिले आपको जी। तो बोर्ड अगर नहीं देते तो क्या आप काम कर सकते थे क्या? क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में नहीं देते कोई भी, साथ में ला लो ही बोलते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को मालूम ही नहीं रहता कि लाना कौन से बोर्ड, ब्लैक पेस्टेड के कौन से रहते हैं, व्हाइट पेस्टेड के मालूम ही नहीं। मेरे को भी तो पहले मालूम नहीं था कि ब्लैक पेस्टेड क्या होता है। अच्छा, सीपीयू किस बोर्ड देखता हूँ, पहले एक काम करता था कि चार्जर पिन सेट करता था और जो माइक वगैरह चेंज स्पीकर यही करता था, होल्डर लगाता था। अच्छा, तो अब तो एक बात यहाँ पे बोलना चाहूँगा मैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यहाँ सिर्फ आईसी का ही काम कराते हैं, तो मैं सबसे एक साथ पूछना चाह रहा हूँ भाई, खाली आईसी डालना निकालना सिखाते हैं यहाँ पर कि खाली डायग्राम से एक लाइन ट्रेसिंग वोल्टेज मेजरमेंट सब सिखाते हैं यहाँ पे? सर सब DSO चेक करना भी बताया आपको, क्योंकि बहुत सारे लोगों को गलत फहमी रहती है कि खाली बस डबल डेकर करा रहे, खाली आईसी करा रहे, तो खाली आईसी डालते निकालते अपन के सब काम करते हैं यहाँ पे सब। अगर तुम्हारे को बात करूं मैं, कोई डायग्राम रीड करना हो रीड कर सकते हैं? लाइन ट्रेसिंग डायग्राम आप रात में बनाए, आप लोग फेयर नोट्स थोड़ा निकाल के रखो सब लोग, थोड़ा मैं दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर जो लेके आए। आपका किधर है फेयर नोट्स? थोड़ा निकालो ये बैग में, चलो देखो लाइव यही निकाल देंगे। थोड़ा खाली आईसी का रहता है या कुछ और भी कराते हैं यहाँ पर बता देंगे अपन थोड़ा सा। फेयर नोट्स है आपका ये? ठीक है, थोड़ा कोटल सर थोड़ा वो दोनों फोन लेके आओ जरा कैमरा, देखो यहाँ पे कैसा काम सिखाते अपन बता देंगे थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को गलत फहमी भी रहती। तो ये कौन सा है भाई सेक्शन? लाइट आईसी है ना, ये खुद बनाए के कहीं कॉपी कर लिए? खुद बनाए। चलो और थोड़ा बता दो, थोड़ा वो भी ला लेना था कोटल। LDO हाँ पकड़ के रखना थोड़ा, उसमें भी ले लेंगे। LDO है ये, यहाँ आने से पहले तो चार्जिंग पिन के अलावा कुछ नहीं करते थे, अब ये हाथ से खुद से उतारे डायग्राम जी सर, कॉपी तो नहीं कर लिए? नहीं सर। चलो चार लाइनों में क्या क्या आ रहा जरा बता दो थोड़ा सा, किधर क्या सप्लाई आ रही बता सकते हैं? जी सर। हाँ बताओ, देख के बता दो सर। ये सर BPS 4 वोल्ट का, ठीक है, VDD LCD ठीक है, 3.0 वोल्ट ठीक है, ग्राउंड है, और ये LCD EN मतलब क्या है? EN मतलब इनेबल लाइन है, इनेबल सिग्नल, ठीक है। ये खुद बनाए ना आप? चलो और बता दो क्या क्या बताए बनाए आप। ये देखो भाई ग्राफिक आईसी पता है ना आपको, यहाँ आने से पहले चार्जिंग पिन डालते थे पक्का पहले से देख के सीख के तो नहीं आए? नहीं सर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि इतना सब डायग्राम बना रहे ऐसा। सर ये बुक भी यही पे खरीदा था। ये सही बोल रहे भाई साहब, पहले से सीख के तो नहीं आया था ये?
ठीक है, देखो बुक भी यही पे आके खरीदे, यही हैदराबाद की बुक है ना ये, ठीक है चलो पढ़ा। हमारा उधर तो इसको खाता बोलता है, खाता बोलते हैं, खाता बोला तो दुकानदार समझा ही नहीं, बोला मेरे कहने तेरा यहाँ खाता उधारी को बोलते हैं, यहाँ उधार जो लेते ना। बाद में मेरे मेरे आने के बाद एक कस्टमर आया था, उसने बोला एक बुक दे दो तो खाता दे दिया, मैं सुना मेरे को बुक बोलना पड़ेगा। हाँ लैंग्वेज थोड़ा चेंज रहता ना भाई, देखो ये भी बनाए कितना अच्छा बनाए देखो इन्हों, तो ये अब समझ में आ गया आपको, और कुछ बताए। ये देखो भाई ठीक है, और सेंसर प्रॉक्सिमिटी सेंसर, हॉल सेंसर, ठीक है ठीक है, रिंगर आईसी, ठीक है क्रिस्टल माइक बनाई क्रिस्टल का, ठीक है ये देखो हेडफोन जैक, देखो भाई ऐसा ये देखो कितना प्यारा बनाया, ये क्या है भाई स्मार्ट पी है, ये हमारी फ्यूल गेज आईसी, ठीक है ये कौन सा सेक्शन, ग्राफिक है कैमरा है और पावर सेक्शन बनाए, अच्छा बक सेक्शन बना दिए, ठीक है और बक एडलियो बनाए, वाह देखो भाई साहब कितना अच्छा बनाए, ये खुद बनाए समझ के बनाए, कॉपी तो नहीं करे भाई, नहीं सर। देखो भाई इन्हें कितना अच्छा बनाया, एडलियो सेक्शन बक सेक्शन, एक बार क्लैप्स कर दो इसके लिए, ले लो कौन, तो ये बताओ ये सब समझ में आया? हाँ सर। ठीक है सेक्शन बक एलडीओ सेक्शन पढ़े आप, तो अभी जाके मोबाइल रिपेयर कर सकते हैं। जी सर। कोई आना चाहे बंगाल से क्या बोलना चाहेंगे? क्यों जो दे आस्ते चाहो हमारे कोचबिहार डिस्ट्रिक्ट थे के, तो निश्चिंते आस्ते पारो, आमी गारंटी दीते पारी जे एखाने जे आसबे से एकदम हाई लेवेले चले जाबे, जार लेवेल एकदम हाई थाकबे। आपके चाचा के साथ आए थे क्या, मामा के साथ आए? चाचा के साथ बात हुई उनकी, बाद में छोड़ के जाने के बाद, अभी क्या बोलते हो? चाचा बोल रहे तो सही है, अच्छा घर में जाके पापा को बताया था, मेरे पापा को मम्मी को बताया था, पापा मम्मी तो बहुत खुश हो गया, लाइव वीडियो देखता है तो बोल रहे बहुत अच्छा है, और मेरे भाई को भी आना, मेरे भाई भी आएगा एक साल बाद। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, कभी भेज सकते हैं फोन फिक्स हैदराबाद में, वो ग्रेजुएशन कर रहा है इसलिए। अच्छा अच्छा जो सोच के आए थे मिला आपको अभी? उससे ज्यादा मिला, सेटिस्फेक्शन है अभी उससे ज्यादा मिल। देखो भाई दिल से बोल रहे? दिल से सर, मैं पहले सिखा के तो नहीं बिठाया? नहीं सर। ठीक है एक बार इनके लिए जोरदार क्लैप, थैंक यू वेरी मच। ठीक है थैंक यू वेरी मच, दिल खुश, राज पुरोहित के लिए एक बार जोरदार क्लैप्स। आ जाओ भाई दिल खुश, कहाँ से है आप पहले बताओ? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से है? कहाँ से? महाराष्ट्र पुणे। पुणे से? कब से काम कर रहे थे आप? मैं 5 साल से काम कर, 5 साल से कर रहे थे। देखो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, जो भी देख रहे वीडियो चाहे 5 साल से करो 10 साल से करो, अगर आपको लग रहा है ऐसा कि काम आपका वापस जा रहा है या फिर आप खाली हीट मार रहे हो, अच्छा ये बताओ भाई यहाँ पे आपको दो चीज नहीं सिखाते कभी भी, एक तो हीट मारना और दूसरा जम्पर मारना, एक जम्पर नहीं मारना है, दूसरा हीट नहीं मारना है ना भाई, जम्पर जब लगे तब करेंगे, हर चीज में नहीं मारना है। बाकी आपका 20 दिन का एक्सपीरियंस बताइए कैसा रहा? बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मुझे डबल डेकर वगैरह में प्रॉब्लम आता था, पहले बात करके ही मैं आया, मेरा सेटिस्फाइड हूँ। लाइव डन करे आप? लाइव डन किया। अच्छा बोर्ड तो हम ही दिए थे आपको? हाँ, सबको मिले थे यहाँ से। हाँ। तो पहले शुरुआत आए थे आप माइक्रोस्कोप में रिवॉल्विंग सिखाए। हाँ, उसके बाद आपको एक विदाउट पेस्टेड का 4G का फोन दिए, उसमें ऑन करे आप? ऑन किए। फिर 2 ब्लैक पेस्टेड 2 व्हाइट पेस्टेड दिए कि नहीं दिए? दिए। उसके बाद एक डबल डेकर का बोर्ड दिए। डबल डेकर ये तो हो गया भाई हैंड स्किल में, अभी सब काम कर लेते हैं हैंड स्किल में। हाँ। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है ना, सीपीयू डाल दे रहे, डबल डेकर भी डाल दे रहे। अब हो गई बात ट्रेसिंग फॉल्ट फाइंडिंग में, बताओ कैसा सिखाया आपको? फॉल्ट फाइंडिंग में स्कीमेटिक डायग्राम मुझे बिल्कुल नहीं आता था, मैं हार्डवेयर सॉल्यूशन से थोड़ा बहुत काम कर लेता था। अच्छा, तो फिरोज सर के डायग्राम कैसे रीड करना ये सब सिखाने के वजह से आज मुझे, मैं परफेक्ट फॉल्ट फाइंड कर सकता हूँ, कहाँ से क्या सप्लाई जाता है मुझे सब पता है, कहीं कोई रजिस्टर पहले शॉर्ट लगा तो डायरेक्ट पहले रजिस्टर उठाता था, पर अभी ये पता चला कि आईसी में से भी सप्लाई आता है, इसके वजह से रजिस्टर शॉर्ट होता है। आपको कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट हो सकता है, कौन सा कंपोनेंट शॉर्टिंग में निकालना है, कौन सा कंपोनेंट लाइन ब्रेक हो जाए लीकेज हो जाए तो चेक करना, भी ये पता चल गया आपको? चल गया। एक आईसीओ का डाटा शीट बनाना है, बना सकते हैं कोई भी एक आईसी दे दूं मैं? हाँ, आपको
सारा कुछ कराया ना क्लास में तो? हाँ सर। तो खाली आईसी तो काम नहीं कराते यहाँ पे? नहीं नहीं, क्योंकि मैं पहले दिन से ही आपको बताते हैं यहाँ पर कि एक टेक्नीशियन के लिए दोनों चीज जरूरी है, हैंड स्किल का काम और दूसरा है सर्किट की नॉलेज। सर्किट की नॉलेज और दोनों चीज पे काम कराते हैं अपन। हाँ सर। और मोबाइल हमारा हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर और एमएमसी की भी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, तो इसीलिए हम सब कुछ यहाँ पे देते हैं आपको कि एक मोबाइल जाके बना सकना आप। पहले में अब में कितना डिफरेंस आ गया आप में? पहले में से मैं 80% अपग्रेड हूँ। तो अभी जाके काम कर सकते हैं आप? कहाँ? पुणे से है? पुणे से। कोई आना चाह रहे हैं पुणे महाराष्ट्र से, क्या बोलना चाहेंगे? सबसे बेस्ट है इंस्टीट्यूट, बेस्ट है सबसे। मराठी में बोलना तो मराठी में बोलते हो? नहीं, हिंदी में। चलो ठीक है, ये बताओ थोड़ा हैंड स्किल में जो प्रैक्टिकल करा रहे थे सागर सर, कैसा सिखा रहे थे आपको? सबसे बढ़िया सिखाया मुझे, एक आईसी का ग्लू का कटिंग के टाइम मेरा मिस्टेक होने का, मैं वो ग्लू निकालने नहीं आ रहा था। नहीं, ब्लैक पेस्टेड का ग्लू रहता है वो आईसी पे, मैं इसके स्क्रैचेस गिर जाते थे, तो उन्होंने ट्रिक सिखाया, उस ट्रिक से आज मेरे को बेस्ट लग रहा है। अभी कोई ऐसी डैमेज तो नहीं करते? नहीं, चाहे ग्लास वाला एसी हो तो कर लेते। कोई बिंदास। बाकी सॉफ्टवेयर में कैसा सिखाए? सॉफ्टवेयर में भी बढ़िया, सबसे बढ़िया। मुझे एसपी टूल का यूज बिल्कुल नहीं पता था, मैं सिर्फ यूएमटी अनलॉक टूल से काम कर लेता था बस। एसपी टूल का यूज सिखाया, जो अभी बूटलोडर अनलॉक नहीं है उनके भी सर ने दिखाए, और मतलब बहुत कुछ सीखने मिला आपको। और मुझे एक 90 कंज्यूम वगैरह का पता नहीं था, जो मेरे पास UEFI बॉक्स थे उसमें मैंने आईसी फ्रेंड लिया, उसमें क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा उसका भी सोल्यूशन सर ने करके दिखाया, प्रॉब्लम ढूंढ के दिया। वाह क्या बात है, एक बार इनके लिए जोरदार क्लास में थैंक यू वेरी मच, कांग्रेचुलेशन। रोहित कुमार के लिए जोरदार क्लास। रोहित बताओ कहाँ से आप? हम बिहार से, बिहार बेगूसराय से हैं। बेगूसराय से कब से काम कर रहे थे आप? हम 3-4 साल से काम कर रहे थे। अच्छा, इधर कैसे आ गए साउथ में फोन फिक्स में? इधर हम यूट्यूब पर देखे थे, और इससे पहले बिहार से एक अनिल बेतिया के हैं अनिल जी, वो यहाँ से गए थे, तो हम यूट्यूब पर ट्राई मार रहे थे, तो हम वहाँ यूट्यूब से देख के इधर उनसे कॉन्टेक्ट करके बात करके आए। हाँ, तो पुराने स्टूडेंट जो आके सीख के गए थे उनसे बात करे, उनसे आप यहाँ के बारे में? हाँ, उनसे बात किए, वो बताए सब कुछ, बताए खाना वाना पूरे बात हम उनसे पूछे कैसे रहते हैं क्या क्या होता है, वो हमको गाइडलाइन करते रहे। यहाँ आए उसके बाद भी हम कॉल किए, यहाँ पर भी गाइडलाइन किए, और एक यूट्यूबर हैं अजय मिथुर, वो भी गाइडलाइन किए, हम बराबर उनसे बात करते हैं, वो नंबर भी दिए, तो वो उनसे बात करके हम यहाँ आए। अच्छा, और यहाँ पे आने के बाद एक बार उनसे मुलाकात भी हो गई आपकी? हाँ, आके गए थे ना वो भी। हाँ। तो बिहार से कब से काम कर रहे थे आप? हम 3-4 साल से काम कर रहे थे। तो क्या दिक्कत आ रही थी आपको? हम सॉफ्टवेयर का कोई भी काम नहीं करते थे, आईसी का कोई भी काम नहीं करते थे, अब हम हर एक आईसी और फाइंड आउट कर सकते हैं, हर एक काम करते हैं, डबल टेकर सीपीयू वगैरह सब रिवॉल्व करके लगा देते हैं। सर ने हमको सेट भी दिए थे 4G का, 4 सेट दिए थे, उसमें से हम 3 सेट बनाए और डबल टेकर दिए, उस पर हम काम किए थे। अब ये बोलो 20 दिन के अंदर यहाँ पे ये कोई फेक बात तो नहीं बोल रहे आप? नहीं, कुछ गलत तो नहीं बोल दे रहे यहाँ वीडियो में चल रहा बोल के? नहीं नहीं, पूरे स्टूडेंट से पूछना चाह रहा हूँ भाई, इन्हों पहले कभी माइक्रोस्कोप भी नहीं देखे थे, तो ये बोल रहे हैं झूठ तो नहीं बोल रहे? और अपन सिखाए तो नहीं कुछ बोलने के लिए? जो इनको लगा, जो इनका एक्सपीरियंस है वही बता रहे ना ये? तो कोई आना चाहे बिहार से क्या बोलना चाहेंगे? बिहार से अगर कोई भी आना चाहते हैं तो निधरक यहाँ आ सकते हैं, सर से बात करके निधरक आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आके यहाँ। कैसा आना बिहार से यहाँ तक आना बोले तो? बिहार से यहाँ आने के लिए वहाँ बिहार से बेगूसराय से हफ्ता में 2 दिन ट्रेन चलता है। अच्छा। आप पहले पता कर लें ट्रेन का और वहाँ टिकट बनवा के आ सकते हैं। रहने खाने का कोई मुश्किल तो नहीं? नहीं, कोई मुश्किल नहीं। कोई गांव वगैरह तो नहीं है? दूर दूर तक घर नहीं दिख रहे, बस नहीं दिख रही? नहीं, ऐसा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा सिटी में है ना अपन, आजू बाजू पूरा घर ही है, मेन रोड सामने मेट्रो, कहीं कोई कोई भी किसी आदमी से या कोई भी दुकानदार से कोई दिक्कत नहीं है। मेट्रो भी आपके हॉस्टल से दिखता होगा? नहीं, हॉस्टल से नहीं दिखता, पर थोड़ी बात थोड़ा रोड पे निकलना पड़ता। ठीक है। अच्छा, एक और चीज पूछना चाह रहा हूँ, बिहार से इतनी दूर फोन फिक्स में क्यों है, यहाँ अलग क्या है? बिहार में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है आपके, दिल्ली वगैरह में। इससे पहले हम बात किए थे एक जगह और बात किए थे, तो वहाँ का अनिल भैया से बात के बेतिया में यहाँ जो गए थे, और उससे पहले तो वहाँ का विद्यार्थी से बात हुआ, तो वहाँ का उनका सोसाइटी अच्छा नहीं लगा, वो रो रहे थे और बोल रहे थे कि हम अभी तक जो जितना हम काम करते थे बेसिक में, हम यहाँ तक ही वहाँ सर सिखाए हैं, इससे आगे आपको कुछ नहीं आएगा, आप नहीं जाइए। इससे पहले एक दो और जगह ट्राई की, वो भी यही सब बात बोल रहे थे, तो हम सस्पिशन में थे, तब अनिल भैया से बात हुआ। और एक और है टेगरा का मौलवी है, वो भी आएंगे मार्च में, वहाँ मार्च में छुट्टी होता है बिहार में स्कूल का, वो टीचर हैं,
अच्छा, तो तब वो आएंगे तो वो बताए, उनसे भी बात हुआ तो बोले कि आप जाइए, हम बाद में। अच्छा चलो ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा बात करके। एक बार इनके लिए जोरदार क्लैप कर दो। थैंक यू, थैंक यू।